के नवनिर्मित राम मंदिर की छत से पानी टपकने का दावा किया जा रहा है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने बयान रविवार को कहा था कि जहां राम लला विराजमान वहां पानी टपक रहा है और इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। जिसके बाद से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में राम मंदिर कथित जल रिसाव पर कहा, मैं अयोध्या में हूँ, मैंने पहली मंजिल से बारिश के पानी को गिरते देखा है। ये स्वाभाविक है क्योंकि गुरु मंडप दूसरी मंजिल के रूप में आकाश के संपर्क में और मंदिर के शिखर के पूरा होने से ये बंद हो जाएगा। मैंने नाली से कुछ रिसाव भी देखा क्योंकि पहली मंजिल पर ये काम प्रगति पर है, पूरा होने पर नाली बंद कर दी जाएगी। गर्भगृह में कोई जल निकासी नहीं है क्योंकि सभी मंडपों में पानी की निकासी के लिए ढलान को मापा गया है और गर्भगृह में पानी को मैनुअल रूप से अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा भक्त देवता पर अभिषेक नहीं कर रहे हैं, कोई डिजाइन या निर्माण समस्या नहीं है। जो मंडप खुले हैं उसमें वर्षा का पानी गिर सकता है, इसे लेकर बहस भी हुई थी, लेकिन वास्तुशिल्प मानदंडों के अनुसार इसे खुला रखने का निर्णय लिया गया था। दरअसल रविवार को राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया था कि राम मंदिर की छत पहली बारिश में टपकने लगी और लीकेज के कारण पानी गिर रहा, जल समस्या का समाधान नहीं किया गया। राम मंदिर में बरसात के समय में पूजा पाठ बंद हो जाएगा। अभी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है, इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है।